तेरा बंदा खुदा। ये छोटी गवाही नहीं है कि किसी का जो काम 6 सालों में नहीं हुआ, यहां की मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव प्रेयर, पॉजिटिव बातों ने 3 महीने में इस भाई साहब के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये छोटी गवाही नहीं, खड़े होकर तारीफ करो और अंगीकार करो कि परमेश्वर यहां की जो मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री की जो पॉजिटिव शिक्षा है, पॉजिटिव प्रेयर है, अंगीकार करो, अंगीकार करो कि परमेश्वर जहां की जो पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव प्रार्थना कि तू मेरे लिए सब कुछ कर चुका, ये इसी बात को लेकर धन्यवाद करते रहे, क्योंकि ये इस प्लस पॉइंट को पकड़ चुके थे। जैसे लोग अपनी प्रार्थना में कहते, रोज रोज कहते, परमेश्वर दे दे दे, कर चंगा कर चंगा कर, इस काम को कर, ये कर ये कर, वो कहते रहते, पर ये समझ गए, ये धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर तू मेरे लिए कर चुका है, मेरा घर बन चुका है, मेरा ये काम हो चुका, तू मुझे पवित्रता में बढ़ा चुका है, तू मुझे इस तरह का प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुका है। और ये आज सामने आपके, मैंने कहा ये आपके सामने अंगीकार करो कि खुदामंद मैं भी इसी मिनिस्ट्री में हूँ। जितने भी लोग 6 महीने से 3 महीने में से सालों से हैं, वो भी अंगीकार करें और अपने मन को अच्छा करें। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि खुदाबंद सेम आपके रस्तों को भी खोलने वाला है, आपको भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े करने वाला है। जितने लोग ऑनलाइन भी हमें देखते हैं, मैंने कहा जितने लोग ऑनलाइन भी हमें देखते हैं, खुदाबंद उनके रस्तों को भी खोलने वाला है, उनके जीवन में भी वो बड़ी गवाहियों को बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस ब्रदर जी का नाम रशपाल है और छवेरके के रहने वाले हैं, और इस ब्रदर जी की गवाही जे जे बता रहे कि 6 साल हो गए जब ब्रदर जी अदर चर्च आ रहे थे और जो विश्वास करते थे, और जे ब्रदर जी बता रहे कि जैसे इस मिनिस्ट्री में आने के लिए किसी ने भी इनको सुसमाचार नहीं दिया था, और जे बता रहे कि जे इस मुदल गांव में चर्च के पास ही स्कूल था और जे वहां स्कूल पर अपना काम करने के लिए आए थे, और जैसे जे काम कर रहे थे तो उस दिन भवन में मीटिंग हो रही थी थर्सडे की। तो जे बता रहे कि जैसे इन्होंने जब मीटिंग हो रही थी तो जे बता रहे कि आराधना को इन्होंने सुना, क्योंकि जे तो अपना काम कर रहे थे स्कूल में, तो जैसे ही आराधना हो रही थी तो जो आवाज़ थी तो इन्होंने सुनी कि जहाँ पर चर्च लगी है और आराधना हो रही है, तो इनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। जे बता रहे कि उस आराधना ने इनको, प्रभु की ग्रेस ने इनको छुआ, तो जे बहुत ही खुश हो रहे थे। पर उस दिन जे स्कूल में ही अपना काम कर रहे थे, तो जैसे इन्होंने अपना मन बनाया कि एक बार मैं चर्च जाकर देखूंगा क्योंकि मुझे वहाँ की आराधना बहुत अच्छी लगी है, और जे बता रहे फिर जैसे इन्होंने फर्स्ट संडे की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, तो जे बता रहे कि जैसे इन्होंने इनको आराधना सुनकर बहुत ही अच्छा लगा था, परमेश्वर की आराधना ने इनको छुआ था, तो जो ग्रेस थी जे बता रहे कि उस ग्रेस के द्वारा इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और जे बता रहे कि जैसे जे इन्होंने फिर लगातार संडे की हर एक मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, क्योंकि जो 6 साल हो गए जे बता रहे कि जे चर्च जा रहे थे, पर जैसे ही जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव टीचिंग थी, इस मिनिस्ट्री की जो प्रेयर के बारे में जब इन्होंने सुना कि हर एक चीज़ के लिए जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कर चुके, तो जो जहाँ की इन्होंने टीचिंग सुनी, जे बता रहे जब भी जे वचन परमेश्वर के दास के द्वारा भी सुनते, तो जो इनको जिस 6 साल से चल तो रहे थे, पर जे बता रहे कि जैसे परमेश्वर में हमें चलना चाहिए वैसे नहीं थे चल रहे। पहले जो बता रहे कि इनके जीवन में पवित्रता ही नहीं थी, और जब इन्होंने जहाँ की टीचिंग सुनी, तो जब परमेश्वर के दास हर एक वचन को बताते और कैसे हमें परमेश्वर के साथ हर एक नियम को
पूरा करना है और पवित्रताई में रहने के लिए जब भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा वचनों को बताते तो जो सीखते गए हर एक संडे की मीटिंग को जैसे जैसे इन्होंने अटेंड किया तो इनको बता रहे कि जैसे मेरे जीवन में पवित्रताई नहीं थी और 6 साल हो गए कि चर्च तो जा रहे थे पर जो इनकी प्रार्थना थी जब बता रहे कि जब अपने काम करते समय धन्यवाद देते थे बैठकर कभी भी इन्होंने प्रार्थना नहीं की जब अपना मन परमेश्वर को दिया नहीं कोई भी ज़्यादा कोई 20 या 25 मिनट भी नहीं कभी इनसे प्रेयर नहीं हुई थी सिर्फ जो बता रहे कि जो धन्यवाद ही देते थे और जो भी प्रॉब्लम थी जो बता रहे कि इस ऐसे भी जो परमेश्वर में 6 साल से चल रहे थे पर प्रेयर में नहीं कभी भी बढ़ पाए और जब बता रही कि जैसे फिर जो लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे तो इन्होंने बताया कि जब इन्होंने 11 जून की मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड्स आया कि जो लोग आगे की 3 लाइनें जो समय से पहले परमेश्वर की जीवित हजूरी में आएंगी उन पर ले हैंड होगी तो जो बता रहे फिर इन्होंने जो भी 11 जून के दिन इन्होंने इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और जो आगे की 3 संडे की मीटिंग थी जो लगातार इन्होंने 3 मीटिंग अटेंड की तो जो बता रहे कि 3 बार इन पर ले हैंड हुई थी और जैसे ले हैंड हुई तो परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल दिया जो कि पहले इनकी जो प्रेयर लाइफ थी उसमें जो बहुत कमजोर थे प्रेयर इनसे नहीं होती थी ना ही इनका मन लगता था उस समय तो जो बता रहे परमेश्वर ने इनको प्रेयर में बढ़ाया अभी जो बता रहे जैसे ले एंड हुई तो परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ और अभी जो सुबह और रात के टाइम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने इनको पहले प्रेयर में ब्लेस किया और जो कि जो पवित्रताई में नहीं थे चल रहे तो परमेश्वर ने इनके इस लाइफ को भी बदल दिया अभी परमेश्वर ने इनको पवित्रताई में भी बिल्कुल सही कर दिया जी अच्छे तरह से परमेश्वर के साथ चल रहे जैसे कि चलना चाहिए और थर्ड जो बता रहे कि जैसे इन्होंने इस वचन को सुना इस मिनिस्ट्री की जो टीचिंग को इन्होंने सीखा प्रेयर में प्रेयर करनी शुरू की अभी जी बता रहे जी बहुत खुश है और जो इस मिनिस्ट्री की जो आराधना इनको बहुत ही छूती है और जो बता रहे कि इसके लिए भी धन्यवाद करते कि जो परमेश्वर ही इनको जहाँ पर लेकर आए और इसके लिए धन्यवाद देते इतना काम तो परमेश्वर इनके जीवन में किया और सेकंड गवाही इन्होंने बताया कि 1 साल हो गया था इनका घर तो बना था पर प्लस्तर नहीं हो रहा था उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी ऐसे कोशिश की पर पैसों का इंतजाम नहीं होता था जो अपना काम भी करते थे पर जो बता रहे कि फिर भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा था पर जैसे इनके जो इन्होंने टीचिंग को सीखा था पॉजिटिव प्रेयर के बारे में और जो विश्वास करते रहे कि मेरा घर बन चुका है प्लस्तर भी हो चुका था जो विश्वास करते रहे तो जो बता रहे कि आज परमेश्वर ने इनके घर को प्लस्तर कर दिया परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर इनका घर बना दिया है इसके लिए भी धन्यवाद करते और थर्ड इन्होंने बताया है कि जो जॉब पहले अपना काम तो करते थे राजमिस्त्री का काम करते थे पर उसके वो काम करते ही इनको परमेश्वर ने जॉब और भी दी जो बता रहे हैं कि जे जॉब भी परमेश्वर ने इनको दी है और वो भी रात के टाइम जो बता रहे हैं कि ऐसे किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं रात को वॉचमैन की जॉब करते हैं जो बता रहे कि उसमें भी रात के टाइम भी अभी जो काम करते सुबह भी और उसके बीच जब भी जो पहले थोड़ा काम करते तो प्रेयर में मन नहीं लगता था प्रार्थना नहीं करते अभी 2 काम करने के कारण भी अभी जो बता रहे कि अपना काम भी करते और प्लस परमेश्वर के साथ भी इनका मन लगता है प्रार्थना करते और बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने इनके जीवन को पूरी तरह से अब बदल दिया है और जो कि परमेश्वर का जो प्रेम अब इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो बहुत ही धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास का भी जो धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का भी जो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इन्हें इस मिनिस्ट्री में लेकर आए और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि आज खुदा ने इनके जीवन को बदल दिया है और इस गवाही के लिए हम सब तारीफ करेंगे जोर से हम सब अपने हाथों को उठाते इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे तारीफ करेंगे जो 6 साल से जो परमेश्वर में चल रहे थे पर जैसा मन और जैसी चाल हमें खुदा में होकर चलनी चाहिए वैसी जो चल नहीं रहे थे पर खुदा ने अपने वचन के द्वारा अपनी टीचिंग के द्वारा अपनी आराधना के द्वारा इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे जोर से अपने हाथों को उठाते सुनो इन्हें माइक देना जय मसीह सर जय मसीह की सारे भैन भरावों ने जय मसीह दी आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पे जब आए आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए 3 महीने हो गए सर अभी 3 महीने हुए सर हाँ जी और विश्वास कितने समय से करते हैं 6 साल से हाँ जी क्या
क्या अपने मुंह से थोड़ा बताओ लोगों को। सर मैं ना इत्थे मुदा स्कूल हैगा, स्कूल हैगा ते उत्थे काम करदा सीगा जी। आराधना इत्थे होण डई सीगी ते मैं देख रहा वी आराधना कित्थे होण डई, बड़े सोहणी मतलब आराधना होण डई है। ते मैं बारी उपर चढ़िया देखिया जाके टेंट इधर लग्गिया वा, फिर मैं जांदा होया एवें रस्ता देखिया वी किधर रस्ता है, फिर रस्ता देखिया मैं इधर बैठिया। मैं कोई परमेश्वर दा धन्नवाद कितें आवांगे ठीक है। फिर तुसीं मेरे एक दो संडे बाद च फिर मैं इत्थे जदों आया वा ते परमेश्वर ने जदों बैठ लिया सी मैं, परमेश्वर ने वर्ड दिता मैनू भी जिवें यीशु मसीह ने कहा भी 90 भेड़ा छड के जो एक भेड़ पिछे रह जाती है तो मैं उन्होंने भी परमेश्वर कहता छड़ता नहीं है, उन्होंने भी नार ला लेना है। तो वो इसे बहते बहते परमेश्वर ने वर दिता मैं, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मतलब कि भी ये मेरे जीवन में पवित्रता ही नहीं हैगी सी जो ले हैंड होंगी सी तुम बोलिया ले हैंड तीन परफेक्टिक वर्ड मिला था। हाँ जी कि तीन संडे जो लगातार ये तीन लाइनें जो सबसे पहले आएंगे। हाँ जी तीन संडे कहा ना। हाँ जी जो आगे वाली जो तीन लाइनें हाँ जितने लोग उसमें आएंगे उससे ज्यादा भी आ जाएंगे तो मैंने कहा ठीक है, पर तीन तीन लाइनों में हाँ अपने इस वचन को इस प्रोफेटिक को लिया और हाँ अपने तीनों संडे टाइम से आकर हाँ जी उन लाइनों में आप खड़े हुए। हाँ जी हर बार आप पर ले हैंड होती रही। हाँ जी सर हर संडे। हाँ जी सर और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं लगातार आना शुरू किया। हाँ। लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने पवित्रता में बहुत सारा वादा आपको पवित्रता में बढ़ाया। हाँ जी सर अपनी प्लस यहाँ की पॉजिटिव शिक्षा को पॉजिटिव प्रेयर को समझा। हाँ जी सर और यहाँ की आराधना ने आपको छुआ है। हाँ जी सर और इन चीजों ने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ जी सर जो काम 6 साल में नहीं हुआ। हाँ जी ये सिर्फ कितने 3 महीने 3 महीने में खुदा ने कर दिया। फिर प्रार्थना भी मैं प्रार्थना भी कदे नहीं सी कीती, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते ना ठीक है। तो पर जो मैं आना शुरू किया परमेश्वर ने धन्यवाद के नाल मैं प्रार्थना के मतलब कि भी इतने भरा गए से घरें गए से मैंने कहते तू प्रार्थना करनी शुरू करो, जिवें परमेश्वर ने सानू 12 घंटे दिते है तो 2 घंटे तुम परमेश्वर वास्ते कढ़ो, तो तुम जिमें जिमें कढ़ोगे तो उवें परमेश्वर की वधाएगा। उस टाइम जो इसे मैं सुनिया भी तो विश्वास भी किया, प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने बहुत कृपा की। जो पहले आप प्रार्थना कभी भी बैठकर नहीं प्रार्थना 6 सालों में आपने कभी भी बैठकर प्रार्थना नहीं की? नहीं बैठ के प्रार्थना नहीं करी, चलते फिरते बस कर लिया। हाँ, चलते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी कभी बैठकर नहीं की नहीं। आप कितना कितना समय बैठकर आप कर लेते हो? घंटा घंटा अद्धा अद्धा घंटा रात में जो मतलब कि जो जाग आनी उसी वेले ही बैठ जाना परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये है ग्रेस। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप आत्मी को तो यहाँ की बातों को आप पकड़ कर बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। पर यहां से कोई इधर उधर हो रहा है तो मतलब उसे समझने की जरूरत है। सर यहाँ की पिछली बारी तुसी क्या सी वचन दे विच सब कुछ तुहानू जो भी तुहानू जरूरत है किसी चीज़ की जरूरत आ तुहानू एदे विचों लभ जाएगा। उसी टाइम मैंने कहा भी ठीक है वचन पढ़ना शुरू किया, वचन जिवें जिवें पढ़ता उस टाइम ही परमेश्वर का धन परमेश्वर उवें गल समझाउंदा है। रात के समय भी परमेश्वर वह फिल्म की तरह सानू कि वह सीन देता है, रात में भी आ देखो भी है सीन बनता है। हाँ धन्यवाद। ये देखो जो आत्मिक बंदा है वो उन बातों को पकड़ता है, लेकिन शारीरिक नहीं, शारीरिक मनुष्य नहीं समझ सकता। जो आत्मिक है वो जो मेरे मुंह से इस संडे मैंने कहा था ना कि यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो खुदा ने इसमें सब कुछ लिख कर दे दिया। अबे ढूंढना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें सब कुछ है उस वचन में। तो इन्होंने उस पॉइंट को भी पकड़ा। बोलो क्या है? कहां पे हमारी बरकत का नियम है, कहां पे हमारी चंगियाई कैसे मिलनी है, कहां से कैसे हमें दुष्टात्मा से छुटकारा मिलना, क्लेश से मिलना, दुख से मिलना है, कैसे कैसे खुदा हमें बढ़ा सकता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इन्होंने इस पॉइंट को भी पकड़ा। बोलो क्या है? काम क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री का काम करते हैं। हाँ जी। और अब साथ में अभी क्या? साथ में फैक्ट्री है, उधर भी चरात्र मरकर हवाली करनी है, बस अगे गेट तक के वॉचमैन हाँ जी का काम करते हो? हाँ जी सर। तो वहाँ पे भी फिर आप पूरी रात जागते रहते हो? पूरी जागते नहीं बस सो भी जाते हैं। सो भी जाते हो? हाँ जी। और वहाँ पे भी आप रात को भी धन्यवाद देते हो खुदा को प्रार्थना में? हाँ जी। जो बंदा
6 सालों में एक काम करके इतना खुदा के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाया जो सिर्फ 3 महीनों में बना पाया। और सिर्फ 3 महीनों में परमेश्वर ने कितना कुछ बदला है, कितनों को समझ आ रही है, कितना कुछ बदला है। बोल गए, पवित्रताई में बढ़े, प्रेयर लाइफ में बढ़े, परमेश्वर ने बरकत दी। जो 6 साल से जो घर बना था प्लस्तर नहीं हो रहा, वो भी हो गया। प्लस सुबह की ड्यूटी के साथ साथ खुदा ने एक और जॉब दे दी। परमेश्वर जब देता है तो बल भी देता है, पर मेन सबसे इनका प्लस पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि अभी काम मिल गया है तो ये बिजी होगी, ये गलत हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? परमेश्वर आपको इसलिए देता है ताकि आप और उसकी महिमा करो, उसमें और बढ़ो। आपको पता, दाऊद दिन में, पूरे दिन में और रात में लिखा 7 बार अध्ययन करता था, 7 बार अध्ययन, 7 बार परमेश्वर के साथ बैठता था। कितना बिजी राजा था। परमेश्वर उसे देता है ज्यादा जो और उसके साथ वफादारी करता है। बोलो क्या है? क्योंकि अगर किसी ने, परमेश्वर ने उसे ज्यादा दे दिया तो वो गलत चीजों में लग गया। बोलो क्या लग गया? गलत चीजों में लग गया ना, तो परमेश्वर सोचेगा इससे अच्छा तो मैं इसे वहीं पर रखता तो अच्छा था। समझ आ रही है? इस चीजों में ध्यान में रखना। अगर परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है, आपको 2 कामों से ब्लेस किया है, तो खुदा के साथ और भी वफादारी करना, और भी बढ़ना, आप और भी आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहता है कि मेरे लोग आगे बढ़े। इसलिए वचन क्यों कहता है, यदि तू मेरी सब आंखों को चित लगाकर चौकसी से मानेगा, मैं पृथ्वी की सब जातियों से क्या कर दूंगा। तो वो करने की ताकत रखता है। मैंने कहा वो करने की ताकत रखता है। जोर से ये छोटी गवाही नहीं है कि किसी का जो काम 6 सालों में नहीं हुआ, यहां की मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव प्रेयर, पॉजिटिव बातों ने 3 महीने में इस भाई साहब के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये छोटी गवाही नहीं, खड़े होकर तारीफ करो और अंगीकार करो कि परमेश्वर यहां की जो मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री की जो पॉजिटिव शिक्षा है, पॉजिटिव प्रेयर है, अंगीकार करो, अंगीकार करो कि परमेश्वर जहां की जो पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव प्रार्थना है कि तू मेरे लिए सब कुछ कर चुका है, ये इसी बात को लेकर धन्यवाद करते रहे, क्योंकि ये इस प्लस पॉइंट को पकड़ चुके थे। जैसे लोग अपनी प्रार्थना में कहते, रोज रोज कहते, परमेश्वर दे दे दे, कर, चंगा कर, चंगा कर, इस काम को कर, ये कर, ये कर, वो कहते रहते, पर ये समझ के ये धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर तू मेरे लिए कर चुका है, मेरा घर बन चुका है, मेरा ये काम हो चुका है, तू मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुका है, तू मुझे इस तरह का प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुका है। और ये आज सामने आपके, मैंने कहा ये आपके सामने अंगीकार करो कि खुदामंद मैं भी इसी मिनिस्ट्री में हूँ। जितने भी लोग 6 महीने से, 3 महीने में से, सालों से हैं, वो भी अंगीकार करें और अपने मन को अच्छा करें। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि खुदाबंद सेम आपके रिश्तों को भी खोलने वाला है, आपको भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े करने वाला है। जितने लोग ऑनलाइन भी हमें देखते हैं, मैंने कहा जितने लोग ऑनलाइन भी हमें देखते हैं, खुदाबंद उनके रिश्तों को भी खोलने वाला है, उनके जीवन में भी वो बड़ी गवाहियों को बनाने वाला है। थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करो, अपने हाथों को हिलाते हुए कि यस खुदा, तू मेरे साथ भी ऐसा कर चुका है, प्रेयर लाइफ में मुझे बढ़ा चुका है, पवित्रताई में मुझे बढ़ा चुका है, यहाँ की जो पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव बातें, उसमें मेरा मन लगा चुका है। क्योंकि तेरा वचन कहता है तू आज से 2000 साल पहले क्रूस पर अपना जीवन देकर सब कुछ पूरा कर चुका है। अंगीकार करो, जितने भी लोग जिनके अंग काम नहीं करते, आंखों के रोग हैं, पेट के रोग हैं, कैसे भी हैं, उनकी हड्डियां काम नहीं करती, अंग टेढ़े हैं, आंख में चिट्टा है, काला मोतिया है, आंख से दिखता नहीं है, गैंठिया है, रसौली पत्थरी जो भी है, कान बंद है,
कानों से सुनता नहीं है, घर में कलेश है, दुष्ट आत्मा तंग करती है। जो भी आप चाहते हो अंगीकार करो और विश्वास करो, आज से धन्यवाद करना, ये खुदावंद करेगा। मैंने कहा वो पक्का निश्चय करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, बने रहना, परमेश्वर आपको और बढ़ा चुके हैं।